फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं बर्मास्टिक। और इस वीडियो हम लोग साइट टैग का उपयोग करेंगे। साइट टैग वर्क टाइटल के लिए उपयोग किया जाता है। द एचटीएमएल साइट टैग डिफाइन्स द टाइटल ऑफ ए क्रिएटिव वर्क। कोई भी क्रिएटिव काम के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोई बुक या पोएम या सॉन्ग या मूवी या कोई पेंटिंग बना है उसका नाम के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ए पर्सन नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ वर्क, मतलब कि कोई भी चीज, कोई बनाया, कोई आदमी उस चीज को साइट टैग के अंदर नहीं रखेंगे, पर जो चीज बनाया उसको हम लोग साइट टैग के अंदर रखेंगे। जैसे कि फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था, तो हम लोग फेसबुक को साइट टैग के अंदर रखेंगे और मार्क जुकरबर्ग को साइट टैग के बाहर रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मैंने इसको लिख दिया। अब मैं सेव करता हूँ और इसे हम देखते हैं ब्राउजर में पहले कैसा दिख रहा है। देखिए, ये नॉर्मल अभी टेस्ट की तरह दिख रहा है, पर हम लोग फेसबुक को साइट टैग के अंदर लिखेंगे। एक मैं साइट एट्रीब्यूट बताया था आप लोगों को। साइट एट्रीब्यूट और टाइटल में बहुत अंतर है, ठीक है। आप वो मत समझिएगा, क्योंकि दोनों का नाम सेम है पर काम अलग अलग है। उसको हम लोग साइट एट्रीब्यूट का उपयोग हम लोग किसी भी चीज का रेफरेंस के लिए उपयोग करते थे, पर इसका इसका उपयोग हम लोग क्रिएटिव वर्क के लिए करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे लिख लिया और उसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, इटैलिक टाइप में हो गया। इस टैग से आप इटैलिक टाइप में भी लिख सकते हैं और एडिट टैग के यूज करके भी इटैलिक टाइप में हो जाता था। बस इस टैग का यही काम है, ज्यादा कुछ काम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।